<laughs> नमस्कार विद्यार्थियों बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी अडा ट्वेंटी फोर सेवन पे और मैं सोना मिश्र आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस क्लास में तो जितने भी हमारे स्टूडेंट है सबसे पहले सेशन को शेयर कर दीजिए उसके बाद फिर आगे की तैयारी करना शुरू करते हैं हाँ जी तो बहुत बहुत स्वागत है एवरीवन बहुत बहुत स्वागत है इसी के साथ बहुत प्यारा सा वेलकम आपके तिरंगे को सामने रखते हुए जो भी हो जो भी हो जैसा भी हो अपने तिरंगे को साथ लेते हुए चलेगा क्योंकि यही हमारी शान है है ना इसी के साथ आपके बैक टू यू वर्क आपका जो मिनियंस है आपके जो मिनियन हैं आपको दोबारा बुला रहे हैं कि आइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए है ना क्योंकि यही छोटे छोटे स्टेप हैं जो आपको मतलब कि सफलता की ओर लेके जाते हैं और हर दिन के करंट अफेयर को पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि हमें एक साथ करंट अफेयर कभी भी याद नहीं होते है हाँ ना तो चाहे वो छः महीने को आठ महीने का दस महीने का हो लेकिन अगर आपने दो से तीन बार उसे पढ़ रखा है तभी कहीं जाकर के वो याद होगा इसीलिए डेली क्लास में आया करो तो हेलो वर्षा हेलो अनु हेलो गेटलिस्ट हेलो उत्तम हेलो दीक्षा हेलो हेमलता जी हेलो श्रजल, बहुत बहुत स्वागत है इसी के साथ ही प्यारी सी लाइनें जो हमेशा आपको मोटिवेट करती इसमें लिखा है कि इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं जाहिर सी बात है कि अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपको मिलेगा कैसे और एक हमारे यहाँ गाँव में ना बड़ी फ़ेमस कहावत है कि आ बरा मोरे मुँह परा तो आधे लोग को समझ नहीं आएगा लेकिन इसका छोटा सा ये मतलब है कि एक आलसी आंसान बरगद के नीचे लेट के बोलता है कि बरगद अपने किसी पत्ते या फिर अपने किसी मतलब जो फल होते हैं ना उसको मेरे मुंह में गिरा दो तो मैं खा लूँ तो ऐसा तो हो नहीं सकता ऐसा तो पॉसिबल है नहीं ना कहीं गलती से कभी हो जाए लेकिन जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो इसी के साथ ध्यान रखिएगा आपकी अप्लीकेशन की जो लिंक है आपके चैट बॉक्स के ऊपर नहीं चैट बॉक्स के ऊपर तो नहीं है मतलब डिस्क्रिप्शन के नीचे मेंशन की हुई रखी है वहाँ से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और हाँ कल मैंने सबको सितंबर मंथ का करंट अफेयर पढ़ाया था तो जो भी बच्चे नहीं पढ़े हैं जाकर के सितंबर मंथ का पूरा करंट अफेयर एक ही वीडियो में देख लेना मैंने अलग अलग उसमें पीडीएफ भी भेज दी थी आपकी कम्युनिटी ग्रुप में भी पीडीएफ अपलोड की हुई रखी है वहाँ से जा करके आप देख सकते हो ठीक है इसी के साथ ही हमारा फॉर्मेट होता है लेकिन लेकिन आज क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है करीब सैटरडे मतलब हमने फ्राइडे फ्राइडे से लेकर के संडे तक का पूरा डाटा कैलकुलेट करके रखा है तो करीबक थर्टी से ऊपर क्वेश्चन है है ना तो आज थोड़ा तेजी से चलेंगे एक्सप्लेनेशन भी है आपका तो नेशनल करंट अफेयर आप क्या ही नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ मिक्स है आपका आज तो पहला क्वेश्चन ये है आपका कि विश्व छात्र दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है फटाख से बताओ अच्छा हेलो कटलिस्ट वेरी गुड मॉर्निंग हेलो आर गुड मॉर्निंग अरे मेन क्या ना कई लोग दिखते हैं कई लोग नहीं दिख पाते हैं भाई चैट चैट बॉक्स के ऊपर है आया और चला गया अब क्या ही बताएं हेलो आशी गुड मॉर्निंग हेलो हेमलता हेलो कटलिस्ट गुड मॉर्निंग खुश रहो हाँ जी हेलो दीपांजलि गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन बहुत बहुत सारा गुड मॉर्निंग एकदम फ्रेशनेस के साथ खुश हो क्या करो मतलब एनर्जी ना आपकी यहाँ तक फ़ील होनी चाहिए मुझे ठीक है वेरी गुड तो विश्व छात्र दिवस किस दिन मनाया जाता है ज्यादा समय ना लेते सब हो सबको पता होगा कि आप लोगों का दिन है और सेलिब्रेट भी आप ही लोग के द्वारा हम करते हैं बट कल संडे था तो ज्यादा हो नहीं पाया बट फिर भी तो विश्व छात्र दिवस ये मनाया जाता है पंद्रह अक्टूबर को कब मनाते हैं तो पंद्रह अक्टूबर को मनाते हैं किसकी याद में मनाया जाता है तो हमारे भारत के पहले राजनैतिक राष्ट्रपति और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जिन्हें हम कहते हैं डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम जी उनकी जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए हम विश्व छात्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं ये अच्छा है, है, है। <coughs> तो तो रामेश्वरम तमिलनाडु में आपके डॉक्टर जे अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था और 2023 में इनकी कौन सी जयंती मनाई जा रही है तो बयानवेवीं जयंती हम इनकी सेलिब्रेट कर रहे हैं मेन क्वेश्चन यही होगा आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है और यहाँ पे उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें लिखी हुई हैं जो भी है आपके पीडीएफ में रहेगी आप परेशानी होना आराम से बैठ के एक बार रीड कर लेना ठीक है हाँ जी तो आ, क्या कहते हैं इनके ना दो तीन नाम बड़े फेमस हैं पहला तो राजनैतिक राष्ट्रपति भारत के पहले कौन थे दूसरा जनता के राष्ट्रपति हम किन्हें कहते हैं तो डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम जी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हम किन्हें कहते हैं तो डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम जी ठीक इनको 1990 में पद्म भूषण मिला था और 1997 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कि कब कौन सा अवार्ड इन्हें दिया गया है ठीक है आगे देखो दूसरा क्वेश्चन ये है आपका मैं इतनी तेजी में इसलिए हूँ क्योंकि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैं चाहती हूँ कि ये आज ही आप पढ़ लें जैसे कल हम एक नए क्लास से शुरू करें आपके जो हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं ना एकदम पोस्टमार्टम टाइप का वो करना शुरू कर दे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो चीजें ज्यादा आपको रिलेट करती हैं है, है न हाँ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के काजू को जी टैग दिया गया है बताना हाँ बिल्कुल बिल्कुल दो हजार पंद्रह में जय हिंद पंकज हाँ को शेयर करते हो चलो मैं सही बता रही हूँ मैं आ, मेरा ये पर्सनल वो है कि जब आप संख्या में ज्यादा होते चले जाते हो ना मेरे अंदर एक अलग ही एनर्जी आती है मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में और जब ये संख्या ऐसे रुकी रहती है इंस्टेंट रहती है फिर ऐसे घटते हुए चली जाती है तो है यार किसी को इंटरेस्टिंग नहीं है पढ़ने में कोई पढ़ने नहीं चाहता तुम जबरदस्ती पढ़ा रहे हो ऐसा तो नहीं है वॉइस काफी कम आ रही है आवाज़ में दिक्कत है गुड हाँ जी तो किस राज्य के काजू को जीआई टैग दिया गया है किस राज्य का है ये काजू तो ये है आपके गोवा का ठीक है ये है आपके गोवा का गोवा के काजू को जीआई टैग दिया गया है काजू देख रहे हो काजू खाने से आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी नहीं रहती है इसीलिए मम्मी कहती है कि सुबह सुबह काजू बादाम अखरोट खाया करो अलग और ज़्यादा ज़्यादा खाने का मन करे तो किसमें भी भिगो के खाया करो और जो भी हमारे ड्राई फ्रूट ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना इनको अगर आप भिगो के खाते तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देते हैं है ना इसीलिए कहते हैं कि गीले बादाम मतलब कि जो आप बादाम होते हैं ना उनको भिगो के खाया करो ऐसा करके तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जो गोवा की जीआई टैग है मतलब का काजू है जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है काफी समय से इसकी भी डिमांड चल रही थी आपके क्या कहते हैं एक जो प्रसिद्ध उत्पाद है ना उड़ीसा का फेमस रशो रसोल रशो, रश, रशो करके एक था ना उसको जिसको मतलब कि एक उत्पाद था यार उड़ीसा का क्या नाम था उसका रशोगुल्ला या फिर जो भी था मैंने पढ़ाया था आप लोग को <laughs> एक बार देख लेना तो उसी की तरह इसको भी काफी समय से डिमांड थी कि इसे जी टैग दिया जाना चाहिए अब कहीं जाकर के 2023 के सितंबर मंथ में इसे जी टैग दिया गया है सिंपल सा यही एक क्वेश्चन होगा कि किस राज्य के काजू हैं जिन्हें जी टैग मिला है ठीक है इसके अलावा भारत में अभी लगातार जी टैग दिए जा रहे हैं दो में अगर देखें तो अभी तक लगातार ये करीबक क्या कह रहे थे बीसवा उत्पाद होगा है ना जिसे जी टैग दिया गया है क्योंकि स्टार्टिंग uh, में मध्य प्रदेश को उसके बाद उत्तर प्रदेश के करीब नौ उत्पादों को जीआई टैग मिला उसके बाद फिर ओडिशा के आसाम के तमिलनाडु के और अब गोवा के ठीक है ये देखो अगला क्वेश्चन आपका ती, तीसरा क्वेश्चन है कि 15 अक्टूबर को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कौन सी जयंती मनाई गई है बताओ <laughs> सुबह चाय पिया करो नहीं चाय तो सब पीते हैं एक ऐसा है वो फेमस ड्रिंक है ना कि सब सब स्किप कर सकते हैं लेकिन चाय स्किप नहीं कर सकते पूरा भारत हमारा सबसे ज़्यादा चाय उगाता भी है सबसे ज़्यादा चाय बेचता भी है और सबसे ज़्यादा चाय पी भी लेता है है ना खुद ही उगाते खुद ही पी लेते हैं बात ख़त्म हम हम हमको किसी को देना ही नहीं है ऐसा तो पंद्रह अक्टूबर को डॉक्टर ए पी अब्दुल कलाम जी की कौन सी जयंती मनाएगी हमने पीछे भी देखा कौन सी जयंती है तो बयानवेवीं जयंती हमने सेलिब्रेट की है ठीक है बैनवी जयंती और ये डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम जी हैं आपके अः क्या कहते हैं वैज्ञानिक है आ, ना प्रसिद्ध वैज्ञानिक शिक्षक और आपके भारत के पूर्व राष्ट्रपति के तौर पे इन्होंने काम किया है और भारत के मिसाइल मैन कहे जाते हैं 1931 में तमिलनाडु रामेश्वरम इनका जन्म हुआ था तो ये सिंपल सी बात एक बार देख लीजिएगा इसके अलावा 99 नाइन नवंबर 1999 से नवंबर 2001 तक भारत सरकार के प्रधान और मुख्य मतलब कि क्या क्या कह लें कि मुख्य आपके जो वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं उनके भी रूप में इन्होंने काम किया है ठीक है? क्वेश्चन तो जरूर आता है कार्यकाल से क्वेश्चन कि कब सब कब से कब, से, कब तक का टाइम इन्होंने बिताया है एज अ राष्ट्रपति ऐसा करके और दो में तिरासी वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था ठीक है ये रही बात आगे देखो अगला क्वेश्चन आपका चौथा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला नंबर रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है खुश रहता निष्क आप चाय नहीं पीते चाय ना पीने से ना हमारा दिमाग एक्टिवेट होता फिर अपनी अपनी वो है कॉल है आ, मैं जब आ, ग्रेजुएशन में थी मैं खुद चाय नहीं पीती थी और मैंने तो एकदम से चाय छोड़ रखी थी लेकिन क्या बताएं हमारे घर में ना चाय की एक अलग परंपरा चली आ रही है हमारे नाना नानी सुबह से वो आ, ब्लैक टी पीते हैं उसके बाद फिर वाइट टी पीते हैं उसके बाद फिर और कौन कौन सी टी पीते हैं तो जब भी उनके घर जाओ आप कुछ भी कर लो कुछ भी कर लो कितने भी बड़े वो हों कि नहीं पियेंगे चाय वो कैसे ना कैसे करके आपको चाय पिला ही देंगे तो वो खुद भी पीते हैं दूसरों को भी पिला देते हैं ऐसे ही हमारे हमारी जो आ, हमारी जो ग्रेट मम्मी है हमारी उनको भी चाय पीने का बड़ा शौक है हर तीन घंटे में उनकी चाय चढ़ी ही रहती है तो आप कितना भी कर लो कि एक दिन मना करो दो दिन मना करो तीसरे दिन मना करो चौथे दिन खुद से ही शर्म आएगी यार यार डेली यार पूछती हम पी नहीं पाते हैं तो दो यार पी लेते हैं <laughs> तो ये चाय पीने की जो अथाह परंपरा है ना ये स्टार्टिंग से चली आ रही चलती रहेगी हाँ सासिंग को शेयर करने के लिए कहा था मैंने लोगों को भगाने के लिए नहीं बोला था शेयर करते चलो देखो तो भारत का पहला नंबर वन सॉरी भारत का पहला नंबर रहित क्रेडिट का, कार्ड किसने लॉन्च किया है तो ये लॉन्च किया गया है आपके एक्सिस बैंक के द्वारा ठीक है एक्सिस बैंक के द्वारा अब तो यही वाला क्रेडिट कार्ड लेंगे कोई मजाल है नंबर मांग के बता दो है ना तो ये एक्सिस ऐसे एक्सिस कार्ड ने ये नंबर रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड एप्पल के द्वारा साल 2019 में लॉन्च किया गया था उसके बाद कई बड़े बैंकों ने जैसे कि आपके एच एस ने लॉन्च किया था है ना आपके बाखले के द्वारा यूरोप में ऐसे कार्ड लॉन्च किए गए थे और अब एक्सिस बैंक ने इस कार्ड को

<laughs> हाँ ये है थोड़ा सा है ना है थोड़ा सा हम्म बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए लेकिन गांव में आप जाके देखो बूढ़ों से ज्यादा तो बच्चे बोलते हैं चाय बना दो देखो तो सत्रहवे सी आई आई वार्षिक पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है किस स्थान पर तो ये किया गया है आपके मुंबई में ठीक है मुंबई में अब ये पर्यटन शिखर सम्मेलन यहाँ पे क्या हुआ होगा तो जाहिर सी बात है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो जितने भी अलग अलग देशों के जो पर्यटन मंत्री हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया होगा और उनसे बात की होगी कि हम कैसे अपने एरिया को पर्यटन या फिर कह ले की टूरिस्ट एरिया को हम बढ़ावा दे सके है ना तो उसके टूरिस्टों को मतलब कि टूरिस्ट एरिया को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत हुई कहाँ पे बैठक हुई है तो मुंबई में और समय समय पर ये बैठक होती रहती है यही कारण है कि दो में इस बैठक का सत्रहवा संस्करण आयोजित किया गया है मेन क्वेश्चन यही होगा आपका आगे देखो अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख जस्कर उत्सव ठीक है लद्दाख जस्कर उत्सव का हाल ही में कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है जल्दी से बताओ <laughs> बनाओ 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 सेशन के बाद चाय चाय पी लेंगे जब तक अभी हम जूस पी लें आ, सुबह से गला खराब करने की सबसे अच्छी कोशिश रहती है मेरी जूस पीना लेकिन क्या ही बताएं दो तो तीन दिन से तबीयत खराब है खड़े होते चक्कर आता है तो लेट के पढ़ाना शुरू कर देंगे किसी दिन इसीलिए हम बोले कि चूस वूस लेके चलो भाई ठीक है हाँ तो लद्दाख जस्कर उत्सव का हाल ही में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है तो लद्दाख जस्कर का आठवां संस्करण कौन सा है तो आठवां संस्करण है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारे कॉमन क्वेश्चन अगर एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं पहला होता है उत्सव को लेकर के ठीक है मतलब कि उत्सव मेले महोत्सव कहाँ पे कौन कौन से आयोजित किए गए उसके बाद दूसरा जो फोकस होता है एग्जामिनर का वो होता है समिट को लेकर के है ना एक कॉमन क्वेश्चन आपको समिट से मिलेगा ही मिलेगा कुछ मिले ना मिले इसके बाद तीसरा अगर वो देखें तो जो फेमस अगर कोई इवेंट हुए हैं तो उनसे पूछेगा तो इन एरिया को हमें याद करते हुए चलना चाहिए तो ये लद्दाख जस्कर उत्सव का आठवां संस्करण आयोजित किया गया है कहाँ पर तो जाहिर सी बात है कि जस्कर में ही आयोजित किया गया होगा तो कारगिल के जस्कर ठीक है जस्कर के पदों में दो दिवसीय लद्दाख जस्कर उत्सव का आयोजन किया गया है इसका ये आठवां संस्करण था इससे पूछा जा सकता है लद्दाख के जो पर्यटन एवं सांस्कृतिक सचिव हैं आयुक्त हैं आपके कोचो क्या नाम है इनका आपके कोचो महबूब ठीक है महबूब अली खान इनके द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है ठीक है तो ये मेन क्वेश्चन होगा आपका आगे देखो अगला क्वेश्चन आपका सातवा कि फॉर्मूला एम सॉरी फॉर्मूला वन चैंपियनशिप 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीता गया है हो हाँ गुड मॉर्निंग सचिन वेरी गुड मॉर्निंग हाँ जी तो फॉर्मूला एम फॉर्मूला वन चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है सैशन को करते चलना है ठीक है ये संख्या मुझे ठीक नहीं लग रही है हाँ जी हाँ <laughs> ये तो है इसके लिए ना एक छोटी सी ट्रिक होती है कि जब भी आपको कुछ ऐसे नाम मिले हैं जो आपको याद तो कर रहे लेकिन आपको याद नहीं हो रहे हैं या फिर खुद की याददाश्त में थोड़ी सी दिक्कत जा रही है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को एक कॉपी में लिख लिख के रखना चाहिए और उन्हें दो से तीन बार रिपीट कर देना चाहिए ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे और बल्कि आप दूसरे को जब बताएंगे ना उसको लगेगा कि यार इसको कैसे आता है है ना तो ऐसा होता है तो फार्मूला एम फार्मूला वन चैंपियनशिप दो का खिताब ये जीता है आपके मैक्स वर्ष के द्वारा और अभी तक के सर्वश्रेष्ठ फॉर्मूला वन चैंपियनशिप के खिलाड़ी कौन हैं तो मैक्स वर्ष स्टैपन जी ही हैं इन्होंने बहुत सारे अलग अलग आपके जो ग्रैंड प्रिक्स होते हैं फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स होते हैं कार रेसिंग की प्रतियोगिता एक टाइप की सबसे ज़्यादा यही खिलाड़ी हैं जो कि अभी तक जीते हैं तो ये आपके रेडबुल मतलब कि रेडबुल कंपनी के लिए कार चलाते हैं है ना फॉर्मूला वन चैंपियनशिप का इन्होंने खिताब जीता है और अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये जो आ, जो अभी का ग्रैंड प्रिक्स है फॉर्मूला वन ये हुआ कहाँ पे है तो कतर मिस का आयोजन किया गया था ठीक है इसके अलावा यहाँ पे सारे ग्रैंड प्रिक्स दिए हुए हैं खास करके बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता मैक्स वरस्तेपर ने बस आपको छोटे छोटे जो अलग अलग से है ना जैसे कि सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है तो आपके सर्जियो पेरोज ने है ना सर्जियो पेरोज ने अब यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्स वर्स्तेपर ने जीता है तो आपका फोकस होना चाहिए कि कौन कौन है जो कि मैक्स वरस्तेपर ने नहीं जीते हैं अगर आप उनको याद कर लेंगे तो बाकी जो भी ऑप्शन में होगा आप मैक्स वरस्तेपन टिक कर सकते हैं

मैक्स स्टेपन ही होगा सबसे खतरनाक क्वेश्चन इसका आंसर तो देख के तुक्का मार के चले ना मैक्स स्टेपन ठीक है आगे देखो अगला क्वेश्चन आपका कि किस देश ने हाल ही में आयोजित किए गए आपके कैम्बे क्या कहते हैं क्रेम्बेनियन पेट्रोल दो हजार अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है किसने जीता है क्या है हाँ, गुड, इसका आंसर बताओ तो किस देश हाल ही में आयोजित किए गए कैम्ब्रेनियन पेट्रोल कैम्ब्रेनियन पेट्रोल 2023 हजार अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है किसने जीता है तो ये जीता गया है भारत के द्वारा ठीक है आपके भारत के द्वारा ये थोड़ा नया क्वेश्चन है इसलिए बहुत फोकस होकर देखना तो ये कैम्ब्रेनियन पेट्रोल 2023 हजार तेईस है है ना एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि आपके भारत और ब्रिटेन की सेना के बीच में आयोजित किया गया था और इसमें आपके तीन तीन बटे पाँच या, या कह लें कि फाइव बाई थ्री गोरखा राइफल्स ठीक है कौन है तो ये गोरखा गोरखा राइफल्स हैं इनके द्वारा एक टीम ठीक है एक टीम ने ब्रिटेन के वर्ष में प्रतिष्ठित क्रेंबियन अगस्ती अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया और गोल्ड मेडल जीत के दिखाया है तो बेसिकली हमें एक क्वेश्चन ध्यान रखना होगा कि जो भारत और ब्रिटेन है भारत और ब्रिटेन है इनके बीच में एक फेमस मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है क्रेंबियन पेट्रोल 2000 तेईस सैन्य से अभ्यास ठीक है तो बेसिकली मिलिट्री एक्सरसाइज था जिसमें हमारे भारत की सैनिक टीम ने आपके गोरखा रेजिमेंट ने गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए ठीक है ये बात है और ये जो जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज है मैंने आपको आपके क्या कहते हैं वो वाला एक हम टॉपिक ऑफ़ द डे देखते हैं ना डेली का आज नहीं है टॉपिक ऑफ़ द डे लेकिन टॉपिक ऑफ़ द डे में मैंने आपको बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइज की पूरी लिस्ट दे दी थी उस लिस्ट को अपने पास रखिएगा खाली रखने के लिए नहीं दिया था मैंने उसे पढ़ना भी है हमें है ना तो बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइज आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे आगे देखो नौवा क्वेश्चन आपका कि टेली प्रद्योग की आधारित आपके मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श सेवाओं के संचालन में निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है तो यहाँ पे टेली प्रद्योग की आधारित मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श सेवा की बात चल रही है बताओ हाँ हेलो बादल बादल हमारे ऐसे स्टूडेंट है जो जो अपने नाम के अकॉर्डिंग काम करते हैं आएंगे फिर कुछ दिन गायब रहेंगे इधर उधर टहलेंगे उसके बाद फिर आएंगे फिर टहलने निकल जाएंगे तो जहां मिलता है वहीं बारिश करके आते हैं है कि नहीं गौरव शर्मा धन्यवाद <laughs> जी आपका ओके okay. देखो तो टेली प्रौद्योगी आधारित मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श सेवा के संचालन में निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है तो पहला स्थान प्राप्त करते हैं आपके उत्तर प्रदेश वेरी गुड सबसे बढ़िया क्वेश्चन आशी ने सबसे अच्छा आंसर किया था सबसे पहले। आशी। तो ये आपका उत्तर प्रदेश है, है।, मतलब है? तो उपयोग करते हुए आपके जो फोन हैं लैपटॉप है ये सारी चीजें ऑपरेट करते हैं है ना तो इन पर आधारित एक मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श सेवा ये टेली मानस के संचालन में उत्कृष्ट प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान हासिल किया है पुरस्कार भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत प्रदान किया जाता है जो कि अब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो निदेशक हैं जिनका नाम है डॉक्टर पिंकी जावेल इनके द्वारा शुरू किया गया था या और इन्हें ही प्राप्त किया गया है ठीक है मतलब इन्हें ही दिया गया है ये टेली प्रौद्योगिकी में क्या होता है जैसे कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना जो टाइम है हम इंटरनेट में बिता देते हैं है ना तो इंटरनेट में बिता इंटरनेट में तो ठीक है हमें काम है तो हम करेंगे करेंगे लेकिन समय समय पर उन चीजों को किनारे करते हुए हमें अपने हेल्थ पे भी फोकस करना है इसको मेंटेन करते रहना इसके लिए इन्हें आपका अवार्ड दिया गया है ठीक है आगे देखो <coughs> अगला क्वेश्चन क्या है कि सूचना का अधिकार और हाँ ऐसे ही जब हम स्टार्टिंग uh, में इंस्टाग्राम चलाना शुरू किए थे तो बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे थे इंस्टाग्राम को यूट्यूब खोल लेते तो दो दो चा चार चार घंटे लगातार यूट्यूब खाली स्क्रॉल करते रहते बिना किसी काम के तो शीश uh, मतलब कि खास करके इंस्टाग्राम में आपके uh, ज़्यादा से ज़्यादा समय देने के बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लें इसके लिए इंस्टाग्राम में इंस्टाग्राम में एक अभियान की भी शुरुआत की थी टेक अ ब्रेक नाम करके है ना तो ऐसे ही ये बोलते हैं कि आप डिजिटली एक्टिव रही है लेकिन इतने ज्यादा नहीं कि आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करना शुरू हो जाए इसलिए आगे देखो दसवा क्वेश्चन आपका कि सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम हाल ही में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है तो, तो आरटीआई अधिनियम की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई दो में बताओ <laughs> बच्ची कह रही है ऐसा कुछ आ जाए कि इधर से चाय भेज दो तो उधर चाय चला जाए क्या बताएं इसे कहते हैं चाय लवर ठीक है वेरी गुड तो सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है तो ये मनाई गई है आपके अठारहवीं वर्षगांठ ठीक है अठारहवीं वर्षगांठ यहां पे क्या है कि सूचना का अधिकार सूचना का एक, मतलब कि सूचना का एक ऐसा अधिकार है जो कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट को देना ही होता है अब जैसे पीआईबी वगैरह न्यूज ऑन एयर वगैरह चेक करेंगे तो वहां पे पल पल की अपडेट रहती है क्यों रहती है क्या जरूरत होने देने की चूंकि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है जनता को जानना जरूरी है कि गवर्नमेंट कर क्या रही है या फिर हमारे आसपास के माहौल में हो क्यों रहा है सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है नहीं कि यार एक करंट पे पढ़ना क्यों है काम किया उसने मेडल मिला उसको लेकिन हमें क्यों पता होना चाहिए बस यही है जिसे हम सूचना के अधिकार के अंतर्गत रखते है ना तो ये आरटीआई अधिनियम है है ना आरटीआई अधिनियम है जिसकी शुरुआत 2005 में हुई है और जब आप बड़े एग्जाम देते हैं चाहे यूपीएससी हो एम पी लेवल का हो स्टेट पीएससी का हो उनमें क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है तो सूचना का अधिकार अधिनियम की शुरुआत 2005 में हुई थी एक अधिनियम के अंतर्गत इसको बनाया गया था चूंकि ये आपकी संविधिक निकाय निकाय है इससे एक अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था संसद के थ्रू इसलिए ध्यान रखिएगा इसके अलावा यह अधिनियम नागरिकों को सार्वजनिक प्रकरण मतलब कि जो भी इवेंट होते हैं उनके बारे में आपके मतलब कि उन प्रकरणों के बारे में जानकारी पहुंचाने तक का अधिकार देता है और अगर आपके अधिकारों का कहीं पर भी हनन होता है तो आप गवर्नमेंट में मतलब कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आर फाइल कर सकते हैं कि मुझे ये जानने का अधिकार था मुझे ये पता क्यों नहीं है या फिर जैसे अगर आपके पास वैकेंसी नहीं है

अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि हम आपके सूचना का अधिकार के लिए दिन कौन सा सेलिब्रेट करते हैं तो 12 अक्टूबर का दिन ठीक है 12 अक्टूबर का दिन इसको ध्यान रखिएगा आगे देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है गुड मॉर्निंग ज्योति गुड मॉर्निंग नहीं नहीं मैंने किसी को मुर्गा नहीं बनाया आगे देखो अगला क्वेश्चन आपका ग्यारहवा कि चाइना ओपन ठीक है चाइना ओपन 2023 में पुरुष सिंगल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है अच्छा क्वेश्चन है बताओ अभी ओपन देखा देखा, फ्रेंच देखा, देखा अभी आपको दिख रहा है चाइना ओपन तो चाइना ओपन दो में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है हाँ जी तो किसने जीता है तो खिताब जीता गया है आपके जैनिक सिनर के द्वारा ठीक है जैनिक सिनर के द्वारा और मैडम एक्सप्रेस इसलिए बनी बैठी है क्योंकि तीस से ज्यादा क्वेश्चन है और आधे घंटे होने के आधे घंटे हो चुके हैं और अभी हम ग्यारहवें क्वेश्चन में ही अटके हैं इसलिए मैं थोड़ा तेजी से आगे जा रही हूँ ठीक है तो जैनिक सिनर ने खिताब जीता है जैनिक सिनर को आप देख सकते हैं और हाल ही में आयोजित चाइना ओपन दो का खिताब जो कि इटली के हैं है ना इटली के हैं कौन तो जैनिक सिनर्जी कंफ्यूज नहीं होना चाइना ओपन चाइना में ही हुई थी लेकिन जो जीते हैं जैनिक सिनर्जी वो इटली से संबंधित हैं और 2023 का इन्होंने खिताब जीता है और अगर चाइना ओपन की बात की जाए तो 1993 से इसकी शुरुआत हुई है और 2023 का संस्करण है जो कि आयोजित महिला सिंगल का खिताब जीता है चाइना ओपन में और जितने भी ओपन प्रतियोगिताएं होती है चाहे वो आपकी टेनिस, मतलब की, ये भी टेनिस की ओपन की प्रतियोगिता है चाहे वो आपका फ्रेंच हो यूएस हो बिम्बल हो आपका ऑस्ट्रेलियन हो चाहे वो आपका चाइना ओपन हो

फोर्स द्वारा जारी की गई विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल किया गया है बताइए गुड <laughs> बहुत अच्छे गौरव कोई बात नहीं गलती से मिस्टेक होते रहती है नहीं नहीं किसी भी क्वेश्चन में ना

आप कह दो कि मैडम ऐसे में तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर नहीं रहा होता हम खाली आते हैं तो, है? <coughs> तो किस भारतीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन ठीक है इसका नाम ध्यान रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछता है यार तो ये सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में शामिल हुए हैं आपका लिस्ट की बात की जाए तो एन का दो स्थान इसमें आया है और इस सूची में एकमात्र आपका पी है जो कि शामिल किया गया है इसके अलावा आपकी एन टी पी सी कैसी कंपनी है कैसी कंपनी है तो ये आपकी महारत्न कंपनियों में शामिल है हमारे भारत में आपकी नौ रत्न महारत्न मिनी रत्न इस टाइप की कंपनियां होती हैं उनके लागत और प्रोडक्शन क्षमता के आधार पर उन्हें डिवाइड किया गया है तो अगर बात करें एन टी पी सी की तो इसकी स्थापना नाइनटीन सेवेंटी फाइव में हुई थी हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो नई दिल्ली नई दिल्ली में इसका हेडक्वाटर पड़ता है और इसके जो वर्तमान चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है तो ये हैं आपके गुरमीत सिंजी और एन कंपनी करती क्या है तो पावर कॉपोरेशन है तो जाहिर सी बात है कि बिजली बनाने का या फिर ऊर्जा उत्पन्न करने का काम किसका होगा एन का ठीक है ये रही बात आगे देखो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका तेरवा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास कभी हाल ही में कौन सा संस्करण शुरू किया गया है बताओ <laughs>

तो मान लीजिए कि मन में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगली बार टेस्ट में यही करना है आकड़ 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 वो पढ़ने की जरूरत नहीं है हाँ और सेशन को शेयर करने के लिए कहा था मैंने हेलो बानी आपका नाम बहुत प्यारा है बानी ठीक है तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ पर मतलब कि कौन सा संस्करण शुरू किया गया है तो ये हुआ है आपका दूसरा संस्करण ठीक है आपका दूसरा संस्करण आगे देखो तो ये साइबर सुरक्षा अभ्यास में होता क्या है तो यहाँ पे ना बहुत सारी निजी क्षेत्र या कह लें कि आपके जो भी सरकारी क्षेत्र होते दोनों ही संगठनों को अगर देखा जाए तो ये आपके राष्ट्र लेवल पे भी होता है इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है अगर राष्ट्र लेवल की बात की जाए तो बहुत सारी जो सुरक्षा कंपनियां हैं हमारी है ना डिफेंस सिस्टम को जो रेगुलेट करती हैं उन सारे कंपनियों के बीच में या फिर सारे संस्थाओं के बीच में एक अभ्यास का आयोजन किया जाता है जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर हमारे सिस्टम में या फिर इंटरनेट के थ्रू अगर कोई हम तक पहुंचना चाहे तो क्या वो पहुंच सकता है हमारा डाटा कोई दूसरा ले सकता है या फिर इसमें कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं या फिर हमारा जो आपका सिस्टम कंप्यूटर को लेकर के जो हम लॉक वगैरह सील्ड वगैरह उपयोग करते हैं वो यूज होते हैं या नहीं होते हैं तो इसकी जानकारी यहाँ पर ली जाती है तो नौ अक्टूबर को आयोजित किया गया था आपका राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम था भारत एन सी एक्स नाम ध्यान रखिएगा भारत एनसीएक्स 2023 ये साइबर सुरक्षा अभ्यास का नाम था तो 12 दिनों की अवधि में एक हाइब्रिड अभ्यास के रूप में इसे शुरू किया गया है 9 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर आपके सुरक्षा कार्यक्रम या फिर सुरक्षा पहलों को ध्यान में रखा जाएगा जो कि आपके इंटरनेट की व्यवस्थाओं से संबंधित होगा ठीक है ये रही बात अगला देखो अगला क्वेश्चन आपका दिलीप सिंह अच्छा एक बात बताऊं लास्ट टाइम ये साइबर सुरक्षा अभ्यास को आयोजित करने का जो मेन मुद्दा है ये उठा कहां से था एक बार हुआ क्या था कि जो कोरिया है ना नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया के जो साइबर आ, साइबर को रेगुलेट करते हैं उनके द्वारा अमेरिका और ब्रिटेन के बहुत सारे डाटा को डिजिटली अपने अपने अपने, अपने उसमें ट्रांसफ़र कर लिया था उन्होंने इसे कहते हैं डाटा को चोरी करना जिस कारण से इस अभ्यास का आयोजन समय समय पर किया जाता है अपनी साइबर चीजों को चेक करने के लिए ठीक है <laughs> हाँ सेशन को शेयर करने के लिए कहा था मैंने इतने ज्यादा नहीं है क्या करते रहते हो यार मतलब ठीक नहीं है मानती हूँ कि हाँ थोड़ा बहुत इधर उधर चल रहा है आपके अभी एग्जाम नहीं है आपको अभी रेस्ट मूड लग रहा होगा लेकिन क्या हमें बैठ जाना चाहिए क्या हमें पढ़ना नहीं चाहिए या फिर हमें आगे पेपर ही नहीं देना है सब कुछ करना है ना यही सही समय है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सकते हैं नया नया पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं तो थोड़ा सा एक्टिव रहा करो यार ठीक है हाँ जी अगला क्वेश्चन आपका दिलीप सिंह सम्मानित किया गया है तो दिलीप सिंह कृष्ण मूर्ति तो के लिए ठीक है राजनीतिक नेतृत्व के लिए दिया जाता है तो दिलीप सिंह सौंद पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं राजा कृष्ण मूर्ति राजनीतिक मतलब की क्या कहते हैं नेतृत्व के लिए पोलिटिकल जो वो होता है ना सपोर्ट देना की हाँ आप ऐसे ऐसे चीज़ों को कर सकते हैं ऐसे राजनीति में भागीदारी के लिए इनको ध्यान रखिएगा आगे देखो अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसे ध्यान रखिएगा कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया है हाँ यार सेशन शेयर करने के लिए बोला था भगाने के लिए थोड़ी पता नहीं क्या करते रहते हो <laughs> अच्छा तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है ये मनाया जाता है आपके चौदह अक्टूबर को ठीक है चौदह अक्टूबर को ये क्वेश्चन बन चुका है तो प्रवासी पक्षी दिवस ये ये होते क्या हैं तो प्रवासी पक्षी इन सेंस कि ऐसे पक्षी या फिर ऐसे बर्ड जो कि दूसरे देशों से एक स्थान पर आते हैं है ना अलग अलग एरिया से लगातार उड़ते हुए हजारों किलोमीटर की दूरी को तय करके वो एक जगह आकर के रुकते हैं कुछ दिन और फिर चले जाते हैं उन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं प्रवासी का मतलब ही होता है कि वो दूसरे देश से दूसरे देश गए हों ठीक है तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक वैश्विक कार्यक्रम है, है।, है और आपसे यही ही पूछा जाता है थीके? इसके अलावा एक ऐसा दिन होता है जिसमें प्रवासी पक्षी और उनके संरक्षण के महत्व को बताया जाता है जनता के सामने बात रखी जाती है ये नहीं की अलग अलग सुंदर सुंदर पक्षी देखे गोली मार के खा गए तो इसे उनकी हंटिंग को रोकने के लिए ऐसा काम किया जाता है ठीक है तो प्रवासी पक्षी दिवस अगला देखो अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की 12 अक्टूबर 2023 को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है बताना बहुत अच्छे गौरव हाँ। हाँ। तो राम मनोहर लोहिया जी की कौन सी जयंती मतलब कि राम मनोहर लोहिया जी को लोहिया जी की 12 अक्टूबर को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है अगर इनकी पुण्यतिथि की बात करें तो छप चंप, छप्पनवी पुण्यतिथि है राम मनोहर लोहिया जी की है ना ये राम मनोहर लोहिया जी हैं और ये थे कौन तो समाजवादी नेता समाजवादी नेता आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी इनकी छप्पनवी पुण्यतिथि है और लोहिया जी का जन्म 23 मार्च 2010 को अक्टूबर के सॉरी आपके उत्तर प्रदेश में हुआ था है ना इनके बारे में ध्यान रखिएगा आपके राजनीति और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इन्होंने काम किया है तो भारत की आजादी में एक अलग योगदान था इनका राम मनोहर लोहिया जी का नाम पूछा जाता है ये बात आगे देखो अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला वेटलैंड शहर ठीक है वेटलैंड शहर क्या होता है तो ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हमेशा तो मतलब की पानी, पानी की उपलब्धता होती है है ना और यहाँ पे पेड़ पौधे पानी की उपलब्धता के कारण बहुत ज्यादा और यहाँ के जो जीव जंतु होते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है तो उसे हम वेटलैंड एरिया कहते हैं आर्द्र भूमि स्थल तो भारत का पहला वेटलैंड शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया जाएगा बताओ हाँ <laughs> हाँ जी तो ये जो भी है सब कुछ आपके पीडीएफ में होगा और आपकी पीडीएफ डी कहाँ पे मिलेगी तो चै मतलब कि आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जहां पे अभी आप क्लास देख रहे हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक लगी होगी वहां पर जाकर के आप अप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो अपलिकेशन में मध्य प्रदेश जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा उसके बाद ये हर चीज है ये आद, आपकी जो पी है इसमें हर एक क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे तो परेशान होने की पहला वेटलैंड शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया जाएगा तो वेटलैंड शहर की बात चल रही है ये होगा आपके राजस्थान में ठीक है राजस्थान में बहुत बढ़िया सबका एकदम खतरनाक आंसर आया है तो राजस्थान में आपका जो उदयपुर है उदयपुर में भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाने की घोषणा की गई है और उदयपुर को हम झीलों का शहर भी कहते हैं ठीक है झीलों का शहर वैसे मध्य प्रदेश में झीलों झीलों की नगरी हम किसे कहते हैं तो अपने भोपाल को ठीक है भोपाल को तो उदयपुर शहर को अंतरराष्ट्रीय महत्व के आ, संभावित रामसर कन्वेशन साइट के रूप में चुना गया है और दुनिया भर के वेटलैंड समृद्ध क्षेत्रों के द्वारा प्रतिष्ठित मान्यता इसे प्राप्त की गई दी गई है तो अब आपका जो रामसर या कह लें कि जो आपका ये भारत का पहला वेटलैंड शहर है कहाँ पर होगा तो राजस्थान के उदयपुर में और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन क्योंकि अपने आप में अगर देखा जाए तो हमारे भारत में करीब पचहत्तर रामसर साइट हैं आर्द्र भूमि स्थल हैं और ये कई बार क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्योंकि एकदम अलग और यूनिक क्वेश्चन है ये ठीक है आगे देखो अगला क्वेश्चन आपका कि विश्व गठिया दिवस कब मनाते हैं कब मनाते हैं भाई नहीं नहीं अभी नोट्स मत बनाओ जब आपके पास पीडीएफ पहुंच जाए पीडीएफ पीडीएफ पहुंचने के बाद जब आप नोट्स बनाओगे दो से तीन बार रीड करने के बाद तो वो नोट ज़्यादा इफेक्टिव होंगे है ना क्योंकि हम क्लास के टाइम में जब नोट्स बनाते हैं टीचर बोल रहे हैं हम लिखते जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे लिख लेते हैं जो जरूरत नहीं है मतलब तो कि बिना मतलब की चीज़ें लिख लेते हैं तो इससे अच्छा है कि आप पहले दो से तीन बार रीड कर लो उसके बाद नोट्स बनाना ठीक है हाँ तो विश्व गठिया दिवस कब मनाते हैं ये नॉर्मल क्वेश्चन है आपका बारह अक्टूबर को गठिया दिवस मनाते हैं गठिया दिवस क्या मतलब कि गठिया क्या होता है तो ये हड्डियों की बीमारी से संबंधित ऐसा, ऐसा रोग है जिससे आपके आपके जो जो पैर पैर के 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 घुटने हैं हैं वो जाम हो जाते हैं। पैर घुटनों साथ साथ जितने भी जॉइंट्स होते हैं ना उन पे इफेक्ट डालता है ये तो उनके रोगों से बचाने के लिए हम गठिया दिवस मनाते हैं बारह अक्टूबर को इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा ठीक है आगे देखो अगला क्वेश्चन आपका उन्नीसवा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में है ना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं ये अच्छा क्वेश्चन है तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के किसने मारे हैं अब यहां पे लगातार खाली लड़कों के आंसर आएंगे क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उन्हीं को होता है बताओ जल्दी से गुड मॉर्निंग ऋषभ हाँ <laughs> क्या रैपिड फायर <laughs> तो बिल्कुल बीस क्वेश्चन हो जाए फिर रैपिड फायर कर लेंगे ठीक है हाँ जी लगातार आंसर आंसर आते हुए कोई तो गलत आंसर दे दो। अरे कोई तो तो गलत दे दे दो दो अरे डी को लॉक कर दिया जाए चाबी फेंक दिया जाए ठीक है तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं तो एकदम सही आंसर रोहित है रोहित शर्मा जी ठीक है रोहित शर्मा जी अपना अपना नाम रोहित शर्मा रख लेना, ठीक है? तो वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ आपके 100 रन पूरे करने करने के बाद ये उपलब्धि उन्होंने हासिल की है और रोहित शर्मा जी सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस गेल को भी पीछे छोड़ चुके हैं तो अपने आप में ये जो लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है तो क्रिश गेल को पीछे छोड़कर रोहित शर्मा जी लगातार छक्के मारे हैं और अभी तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रोहित शर्मा के छक्कों की बात की जाए तो पाँच सौ तिरपन छक्कों का रिकॉर्ड मतलब तो कि इन्होंने पीछे छोड़ दिया है इतने खतरनाक तरीके से तो अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है अभी एक दो एक, एक ही दो दिन पहले हमने पाकिस्तान की टीम को हराया अब अफगानिस्तान की बात चल रही है खतरनाक तरीके से भारतीय टीम आगे जा रही है सबकी दुआ है यार दुआ है ना सबकी दुआएं हैं आगे देखो अगला क्वेश्चन आपका बीसवा कि लॉरियस के एम्बेसडर ठीक है लॉरियस के एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है तो मैं तो एम्बेसडरों से बड़ी परेशान हूँ कि हर किसी चीज के एक एम्बेसडर बना देते हैं हमारे एम पी अड्डा के भी एम्बेसडर बनाना चाहिए

प्रथम स्थान गोल्ड मेडल किसने जीता है तो नीरज चोपड़ा जी ने आपके टोक्यो ओलंपिक में बहुत टाइम के बाद किसने गोल्ड मेडल जिताया भारत को नीरज चोपड़ा जी ने गोल्डन बॉय इनका नाम है और इन्हीं के ऊपर गोल्डन बॉय एक किताब भी लिखी गई है ध्यान रखिएगा और अभी हाल ही में जो एशियन गेम्स हुआ था दो का उसमें अभी तक के इनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो भी इन्होंने फेंका है एटी मीटर और ये पूछा जा सकता है आपसे तो ऐसे ही आपके एशिया एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता आपके नीरज चोपड़ा जी इन इन्होंने अभी लॉरियस के ब्रांड एम्बेस्टर के रूप में साइन किया है है ना इसको ध्यान रखिएगा तो छोड़ो बाकी इतना नहीं पूछेगा आगे देखो

आपके नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है कंपनी का दर्जा करने तो कौन सी बनी है, ये बनी ये बनी है आपकी सोलवी कम्पनी. ठीक है सोलवी कंपनी आगे देखो अब अगर नवरत्न कंपनियों की बात की जाए तो कौन कौन सी लिस्ट में शामिल है तो हर एक चीज की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है करीबन सोलह की सोलह जो नवरत्न कंपनियां हैं इसमें शामिल हैं कभी कभी ना जब टफ टफ करना होता है क्वेश्चन तो आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे नहीं है, भारत की। उस पे दिमाग की से जाता है कि भगवान कहाँ से पूछ लिया ये इसीलिए पीडीएफ डाउनलोड करके इनको एक बार रीड जरूर कर लेना ठीक है आगे देखो अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान दो से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है तो सरस्वती सम्मान से

अगला क्वेश्चन आपका कि मतलब कि 24वां क्वेश्चन है कि भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है सबसे बेहतरीन खतरनाक क्वेश्चन ये बन सकता है इसके ज्यादा चांस है पूछने के तो भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है अगर इसकी बात करें तो हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 111वीं है कौन सी 111वीं है इसमें अगर देखें तो 2022 में भारत की रैंकिंग एक थी और अब गिर के एक पहुंच चुकी है तो अपने आप में बड़ी दयनीय स्थिति है ठीक नहीं है ये क्योंकि हमारे जो अड़ोस पड़ोस हैं वो ज़्यादा हमसे आगे जा रहे हैं तो 2022 में एक थी 2023 में एक हो चुकी है और टोटल कितने देशों का परीक्षण होता है जिसमें तो एक देश शामिल किए गए थे कौन सा इंडेक्स है तो हंगर इंडेक्स है ठीक है अच्छी रैंकिंग नहीं है ये आगे देखो अगला क्वेश्चन आपका 25वां कि एसोसिएशन ऑफ बुक ठीक है एसोसिएशन ऑफ सॉरी बुक नहीं है एसोसिएशन ऑफ uh, के कहते हैं म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है अच्छा क्वेश्चन बताओ बिल्कुल अब एक एक बात देखो कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हर जगह पे आपके जो कोटा वगैरह आप देखे होंगे कि जो हमारे ऐसे ऐसे लोग जो अपनी जो दैनिक जीवन की दिनचर्या उसे वो नहीं कर पाते फुलफ़िल नहीं कर पाते या फिर उनके पास इतनी धनराशि नहीं आ पाती है कि वो अपना घर चला सके ऐसे लोगों को हमारी गवर्नमेंट पैसे सॉरी पैसे तो नहीं लेकिन अनाज देती है मुफ्त में और मुफ़्त में भी नहीं एक एक दो दो रुपये में अनाज देती है उसके बाद भी और ऐसे लोग करोड़ों में गिने जाते हैं करोड़ों लोगों को एक एक दो दो रुपए में खाना देने के बाद भी गवर्नमेंट के पास ऐसा डाटा है कि हंगर इंडेक्स में भारत की रेंगे एक आ रही है तो सोचो कि ऐसे कितने एरिया होंगे जहाँ पे लोग बिना खाए सो जाते होंगे और इतने कैसे इतने कितने लोग होंगे जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है और रहने की व्यवस्था तो छोड़ो ही छोड़ो वो भूखे पेट मर जाते हैं तो ये सारा डाटा है जो भारतवर्ष का समय समय पर जारी किया जाता है फॉरेन कंट्री जारी करती है लेकिन हर चीज कैलकुलेटेड होती है क्या ही है? तो नए चेयरमैन कौन बने हैं इनका नाम है नवनीत मुनीत ठीक है नवनीत मुनूत। इनका नाम ध्यान रखना आगे देखो अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किस दिन आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है मैं नहीं कहूंगी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन आ, मैंने कहीं ना कहीं किसी, किसी टेस्ट सीरीज में जब मैं टेस्ट लगा रही थी तो मैंने ये क्वेश्चन देखा जरूर है तो हमें हर एक क्वेश्चन स्किप नहीं करना है इतना नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट होगा तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है तो हम मनाते हैं आपके सोलह अक्टूबर को और जितने भी आपका से किस स्थान पर आठवें ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन का आयोजन किया गया है तो ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ आपके नई दिल्ली में ठीक है नई दिल्ली में अगला क्वेश्चन आपका कि निम्निखित में से किसने 2022-23 के लिए आपका रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जीता है अच्छा क्वेश्चन है तो रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार ये जीता गया है आपके मैंगलोर रिफाइनरी के द्वारा ठीक है मैंगलोर रिफाइनरी के द्वारा आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दया भाई शास्त्री का हाल ही में निधन हो गया वो कौन थे तो दया भाई शास्त्री ये कौन थे यही तो डुबा कर ले जाती है <laughs> हाँ सारी आ, मतलब कि एक एक बड़ी अच्छी वो थी ना सारी थी कि कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था तो ऐसे ही क्वेश्चन पानी कम करा देते हैं है ना वो कश्ती डुबा देते हैं तो पद्म पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दया भाई शास्त्री ये कौन थे तो ये थे आपके विद्वान ठीक है विद्वान आप लोग की तरह स्कॉलर थे आगे देखो अगला क्वेश्चन आपका कि किसके द्वारा राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया है तो राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप में नया रिकॉर्ड बनाने वाले कौन है तो इनका नाम है आपके क्या कहते हैं मणिकांत ठीक है मणिकांत इनका नाम ध्यान रखिएगा और ये 31 वाला क्वेश्चन है आपका कि 141वीं सौ इकतालीसवीं अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा अच्छा क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन है तो इस एक तो एक सौ इकतालीसवीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आयोजन ये हो रहा है आपके मुंबई में ठीक है मुंबई में इनका ये स्थान ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है बत्तीसवा क्वेश्चन है कि इसराइल से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है कल का जो आपका करंट अफेयर का सेशन होगा कल के करंट अफेयर में मैंने अभी तक जितने भी ऑपरेशन हुए हैं भारत के द्वारा अलग अलग टाइम पर लॉन्च किए गए हैं जैसे कि हमने यूक्रेन से भारतीयों को बुलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया तुर्की में जब भूकंप आया था उस टाइम से उस टाइम भारतीयों को बुलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला तो जितने भी अभी तक के ऑपरेशन हैं सारे ऑपरेशन कल हम टॉपिक ऑफ द डे में पढ़ेंगे तो कल का सेशन भी काफी इंपॉर्टेंट होगा सबको वहां पे आना है ठीक है तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है तो ये ऑपरेशन आपका ऑपरेशन अजय ठीक है ऑपरेशन अजय ध्यान रखिएगा तो ये सारे क्वेश्चन थे करीब थर्टी टू क्वेश्चन थे जो आज आज आप लोग के लिए थे कल से हम लोग जो अपनी बेहतरीन क्लास होती है एकदम पोस्टमार्टम वाली बेहतरीन सेशन के साथ तो उसमें हम रहेंगे नेशनल मध्य प्रदेश और इंटरनेशनल हर टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने मिलेंगे तो आज आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे इसलिए स्पीड में थोड़ा सा पढ़ाना पड़ा टाइम एक ही घंटे का रहता है और पढ़ाना सब कुछ होता है तो इसलिए थोड़ा सा माफी चाहूंगी बट फिर भी और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर ये समय है यूटिलाइज करना चाहते हो तो बच्चों बहुत केयरफुल हो के थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डिसीजन लो क्योंकि आपकी जिंदगी है आपको आगे जाना और आपका ही फैसला होगा तो बहुत केयरफुल हो तो यहां के तो यहाँ पे एम पी अड्डा के महापैक पे महा ऑफर चल रहा है आप जा करके इजिली एनरोल हो सकते हो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है ऑल कोर्सेस में जाना है ना अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन सर्च करके मध्य प्रदेश को सेलेक्ट कर लेना और ये है आपका एम पी एस पे महापैक पे आज आपका ऑफर का आखिरी दिन है जाकर के तुरंत अपने आप को इन करा लो और इनरोल होने के लिए कुछ नहीं करना सिंपली बाय नाउ में जाना इंटर कूपन कोड के ऑप्शन में वाई सिक्स एट थ्री जैसे आप इसे इंटर करोगे नौ सौ उन्नीस रुपये का आपका महापैक होगा अगर अगर आप ऐप के थ्रू लेते हो तो ये करीबक एट सेवेंटी नाइन समथिंग रुपीज़ का पड़ेगा एट थर्टी नाइन रुपीज़ का हाँ जी और पूरे दो साल के लिए आप अपनी प्रिपरेशन आराम से कर पाओगे इसमें आपकी जितनी भी प्रीवियस जो क्लासेस हुई हैं सब कुछ आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी या फिर एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं होगी जितने भी अभी तक टेस्ट सीरीज लॉन्च हुए हैं उनका महापैग भी आपको इसमें इनरोल हो मिलेगा तो पढ़ाई और टेस्ट दोनों का काम आपका एक साथ हो जाएगा वो भी दो साल के लिए तो सबसे बेस्ट होता है आपका वहापैग और इसको अपने पास लेने के लिए कुछ नहीं वाई सिक्स एट थ्री कोपन कोड इस्तेमाल करना है और आप सेवेंटी सेवन परसेंट डिस्काउंट के साथ वहाँ पैक्स इन रोल हो जाएंगे और ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के किसी भी प्लेटफॉर्म में कुछ भी अगर लेना चाहते हो और अगर आप कोई कूपन कोड याद है तो आपको वहां पर भी सेवेंटी सेवन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा ठीक है ये बात अब बात करते पी डी एफ कहाँ मिलेगा क्या हुआ तनिष्क <laughs> हाँ जी तो अब बात करते हैं कि पी डी एफ कहाँ पर मिलेगा ये आपका एप्लीकेशन है ठीक है अप्लीकेशन है अप्लीकेशन में बोल रही थी ना होम पेज पर पे जाना सबसे ऊपर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन लिखा होगा यहाँ पे आप स्टेट एग्जाम को सेलेक्ट करना मध्य प्रदेश में आ जाना इसके बाद होम पेज पे आप दोबारा पहुँचेंगे कम्युनिटी का सेक्शन होम के जस्ट बगल से है यहाँ पे आप देखो एक्सप्लोर ग्रुप का ऑप्शन आएगा यहाँ पे सारे टीचर्स के ग्रुप हैं कुटे में मैडम भी बैठी हैं आप यहाँ पे जाकर के ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो कल की पीडीएफ अपलोडेड है आज की भी पीडीएफ मैं तुरंत क्लास के बाद अपलोड कर दूंगी जो कि ऐसी होगी जैसा आपने पढ़ा है ठीक है तो तुरंत जाओ अप्लीकेशन डाउनलोड करो क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगी हुई है और जब भी आप अप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे उसके आगे सोनम लिखा हुआ होगा ठीक है ओके तो हेलो राधा ठीक है ओके थैंक यू क्लास थैंक यू सो मच बाय अपना ध्यान रखना मिलते हैं शाम पाँच बजे की क्लास में स्टैटिक की क्लास है सबका स्वागत होगा सब सबको मतलब जितने भी लोग यहाँ पे थे सब लोग वहाँ पे जरूर आना शाम पाँच बजे ओके थैंक यू बाय